बदतमीज, इस तूफान में हम चलेंगे अगर भवानी सिंह के बेटे के रक्षक करने तो हम लोग बह जाएंगे। सही कहा था, ठीक है। साले पश्चिमी साले, आई एम कोरी, आई एम कोरी तो हो गए साले, पश्चिमी हो चुके, पश्चिमी हो चुके हो, तुम्हारा ट्रांसफर करा दूं। देख रहे हो कितना बड़ा तूफान आ रहा साले, आओ नहीं इस तूफान में साले। घर मालिक से अनुरोध है कि थोड़ा सा गिलास यहाँ भेज दें चाय पीने के लिए। हेलो, हाँ दोस्तों, इधर भवानी सिंह जैसे घर वापस आता है और उधर ठकुराई राधा अपने बच्चों की तलाश करती हैं। देखिए आप लोगों के सामने क्या कहती हैं क्या नहीं। या मेरे भगवान, मेरे बच्चे न जाने कहाँ गायब हो गए, कोई कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, चलती हूँ आगे, कोई आदमी से पूछती हूँ।
मिलता में वो दही मेरी ना, धर्म काटे की ओर क्या देखते हो? धर्म काटे पर पाप और पुण्य दोनों तौले जाते हैं। प्राणनाथ मेरी गोद तो खाली हो गई बात। मैं कसम खाता हूँ जोर से बंदूक नहीं उठाऊंगा और मैं सुबह खाने जा रहा हूँ। चिंता मत करो, सोचो मत। चलो तुम भाई अरे चुनरिया सजन लाए हो चुनरिया बालम लाए चुनरिया सजन लाए हो चुनरिया बालम लाए हमारे गौ ने कई समान चुनरिया बालम लाए हो चुनरिया बालम लाए हो चुनरिया साजन लाए हो चुनरिया साजन लाए हो चुनरिया बालम लाए हमारे गौ ने कई समान चुनरिया साजन सरदार जी अभी तक वापस नहीं आए इंतजार आज मैं तुम लोगों से एक राय लेना चाहता हूँ कौन सी राय और रब तलक थी
कहा थे अब तलक लूटना मारना जो सिखाए हमें सरदार कायर हो गया है तो ये बतलाओ खैर कोई बात नहीं है। तुम लोगों का सरदार मैं बनूंगा। आज के बाद मेरे कहने के मुताबिक तुम लोग काम करोगे और मैं भवानी सिंह को जान से मार दूंगा ताकि पुलिस वाले इसकी राख भी ना पाए। समर्पण भवानी सिंह को कभी नहीं करने देंगे। और बाढ़ी में बच्चे हमारे बह गए बाढ़ी में। समर्पण करने देंगे।
भवानी नहीं तो भवानी सिंह सीधे थाने में घुस जाएगा। बेटा चला, भवानी सिंह को हम जेल तक पहुंचने नहीं देंगे। उसके पहले ढेर न लगा दिया तो हमारा भी चंदन सिंह। चोर हो, अंजाद हो, जाली हुक्म करता डालने को हथियार यहां पर तू है आया। जो हथियार खुदे डाल रहे हवा है तो कौन टेंशन है हमें तो है हथियार ले लिया चुप सब। कैसे करूं कि तेरे बात को डालने हथियार आया खुद तुम डाका डालने हाँ। ये पाजी बच करके यहां से ना जा पाए। गोली पुलिस की शरण इस तरह जान कर इस तरह जान कर हर वक्त जाती ही बात जत रहे और मार
की शरण, दिल में यह जान कर लिया कि ताकि हर वक्त जान की हिफाजत रहे। आज भवानी सिंह तुम जिंदा नहीं बचोगे। चलो हमारे साथ भवानी सिंह भाग रहा है। भवानी सिंह ने मेरे सीने पर गोली मारा है, अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। बेटा जरा वादा करो कि तुम भवानी सिंह से मेरे खून का बदला जरूर लोगे। भवानी सिंह, तूने मेरे बापू को मौत के घाट उतार दिया। आज मैं अपने पिता के एक एक बूंद खून की कसम खाकर कहता हूं, चंबल घाटी तो क्या मैं तुझे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बचने नहीं दूंगा। कसम खाता हूं कि जिस दिन हमारी और तुम्हारी मुलाकात होगी वो दिन तुम्हारे जिंदगी का आखिरी दिन होगा। याद रखना मैं तुम्हारे पास। भवानी सिंह, दूसरा वाला कौन था? ये मेरे घर का आदमी था। तुम्हारे कौन आदमी था? इसका नाम चंदन सिंह है। चंदन सिंह, इससे तेरी दुश्मनी क्या थी? दुश्मनी क्या थी? दुश्मनी कोई नहीं थी। मैं हथियार डालना चाहता था और हथियार डालने से ये मुझे मना कर रहा था। क्या तुम गोली मारने के लिए तुम अपने आप को अर्पण करना चाहते हो? मैं काम से बहुत दूर रहना चाहता हूँ। ठीक है भवानी सिंह, इसमें कोई बात नहीं है। तुम आपने आप को पुलिस के हिरासत में चाहते हो? ठीक है। क्या बात है? भवानी सिंह, तुम इस वक्त सरकार के मुजलिम हो चुके हो। चलिए हम तुझे 30 नंबर जेल में बंद करता हूं। ले चलो इसे 30 नंबर जेल में बंद कर दो। मारे घर की डर खा गए हो? अरे जलान रे, अरे राम जनवाद रे, अरे हम तो ना जा भाई गावा ना
लू ढंग सहू अरे एक दिन तू का जाए का परे अरे होई करके मजबूर अदूर पैसा जन के भावा